ये होंडा एमेज है, ये इंजन है। इसमें हम अभी इंजेक्टर, हाई प्रेशर पंप और रियल प्रेशर ये सब फिटिंग करने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कैसे कैसे फिटिंग किया जाता है, कैसे खुला था। तो आप वीडियो पर बने रहें। इसको मैं खोल लेता हूँ, ये खुला हुआ है। इसको मैं ये इसको खोल लूँगा तो अच्छा से आपको दिखाई देगा। इसमें देख रहे हैं ऐसा बोल्ट रहता है, दिख रहा होगा। चलो इसको निकाल के इधर कर दो। देख रहे हैं यहाँ पूरा एकदम साफ साफ हो गया है। यहाँ पर इंजेक्टर टाइट होगा, दिख रहा है। यहाँ पर धूप थोड़ा आ रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा हल्का फल्का देखने में। बाबू इसको साफ करो अंदर में, ठीक ना, कपड़ा लगा के पिचकस से ये अंदर में टोटल को साफ करो अच्छा से। नीचे दिखाते हैं, हाई प्रेशर पंप तो आ गया है, दिख रहा है हाई प्रेशर पंप। ये इसका लॉक होता है, देखिए हाई प्रेशर पंप का। अभी लोकेशन भी आपको बताएंगे कहाँ पर कैसे 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 फिट होगा और कहाँ पर क्या रहता है। मैं डीजल फिल्टर भी देख रहे हैं, न्यू डाल दिए हैं ओरिजिनल होंडा का। स्टार्टिंग प्रॉब्लम था गाड़ी में, इसके वजह से ये सब धुआं दे रहा था गाड़ी बहुत ज़्यादा और स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, गाड़ी झटका पूरा लेता था। इसके लिए सब किया हूँ। इंजेक्टर भी अभी सर्विस करके मंगवा रहा हूँ, इंजेक्टर भी दिखाते हैं। देख रहे हैं रेल प्रेशर भी सर्विस इसको भी करवाए हैं, इंजेक्टर भी दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है बॉस का इंजेक्टर लगता है। बताते हैं अभी, दिख रहा है यही लोकेशन है इसका। सेल्फ देख रहे हैं, स्टार्टर मोटर के पास रहता है। इसको निकालने के लिए हमको एक्सल निकालना पड़ेगा, मतलब एक्सल निकालना पड़ता है। तो एक्सल तो पहले खोल लेना चाहिए। साइलेंसर देख रहे हैं, साइलेंसर भी यहाँ से खुला हुआ है, दिख रहा होगा साइलेंसर खुला हुआ है यहाँ से आगे तक। साइलेंसर और एक्सल निकालना पड़ता है प्रेशर पंप निकालने के लिए। तो ये सब हम खोले हुए हैं, स्टार्ट करने का बताएंगे आपको। यहाँ पर फंसता है हाई प्रेशर पंप, दिख रहा है आपको। एक यहाँ बोल्ट लगेगा, ठीक है। तो अभी हम हाई प्रेशर पंप टाइट करके पहले बताते हैं, उसके बाद सिलेंसर कैसे फिट होगा, डीजल फिल्टर कैसे फिट होगा, वो सब के बारे में बताते हैं, ठीक है। और कौन पाइप कहाँ लगेगा रिटर्निंग और मेन, वो सब मैं भी उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा और बताऊँगा। पॉइंट सिर्फ नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हाई प्रेशर पंप की ओर। पहले हाई प्रेशर पंप का बोल्ट देख लीजिए कौन कैसे लगेगा। ये देख रहे हैं लंबा बोल्ट, ऐसा बोल्ट आता है, यहाँ पर टाइट होता है। यहाँ पर थोड़ा दूर से बताते हैं जो दिखेगा आपको। देख रहे हैं ये लंबा रहता है इसलिए जो खोलने टाइट करने में परेशानी ना हो। दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ तक जाते जाते फिट हो जाता है, लेकिन ये बढ़ा देता है जो कि आराम से खुल जाएगा। फिर बोल्ट यहाँ पर रहता है, वो भी बोल्ट आपको दिखाते हैं। ऐसा बोल्ट 12 नंबर का, दो गो बोल्ट एक यहाँ और एक यहाँ, दो बोल्ट टाइट होगा। और हाई प्रेशर पंप में ये 17 नंबर बोल्ट, ये बोल्ट टाइट होगा, देख रहे हैं आप। 17 नंबर बोल्ट है, ये 17 नंबर बोल्ट आगे से टाइट होगा इधर से, ठीक है। अब हाई प्रेशर पंप फंसाते हैं, ठीक है, फंसा के उसके बाद बताते हैं। देख रहे हैं इसका सेंटर मिलाना पड़ता है, दिख रहा है ये लॉक जो दिख रहा होगा, लॉक बैठा के इसको, इंजन को मत घुमाइएगा, ठीक है। इंजन को घुमाइएगा तो टाइमिंग आउट हो जाने का संभावना रहता है। और वहाँ पर पंप का वो घुमाइएगा थोड़ा पकड़ लेके, जो कि दागी उगी ना लगे, उस प्रकार से हल्का सेंटर करके उसके बाद इसको फंसाया जाता है। तो फिर हम फंसा के, दिख रहा है हाई प्रेशर पंप इसमें सेटिंग कर दिए हैं, दिख रहा होगा आपको, सेटिंग कर दिए हैं। अब इसको हम हल्का बैठा लेता हूं, उसके बाद मैं दिखाता हूं बैठा के। देख रहे हैं हम बैठा दिए हैं,
ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर बोल्ट, यहाँ पर बोल्ट और अंदर में बोल्ट, यहाँ पर जो मैं डालता हूँ दिखाता हूँ, देखिए ये बोल्ट यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, सेंटर में कर लेता हूँ, सेंटर नहीं है ये, हल्का ऊपर नीचे करना होगा तब जाके सेंटर में आएगा ये। अब लगता है सेंटर में आ गया, अभी उसको बाबू टाइट मत करो, ठीक है, वो टेढ़ा वाला 12-13 इंच है ना, वो ला मेरे पास, 12 नंबर गोटी हैंडल भी, बड़ा वाला भी, हाँ बड़ा गोटी हैंडल रेचेट देना, अब ये अंदर का, ठीक है, ये बोल्ट, ये बोल्ट दिख रहा है, ये पीछे साइड टाइट होगा, ठीक है, कहाँ पर होगा इधर से बताता हूँ, इधर से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना, इधर से देखिए हल्का फुल्का दिखाई देता होगा, ये बोल्ट, बोल्ट वहाँ से टाइट होगा, तो उसके बाद इसमें भी नट हम लगा दिए हैं, दिख रहा होगा, 17 नंबर उसमें रहता है, आईसम में 12 नंबर है, तो सबको टाइट कर देता हूँ, उसके बाद पंप का कंडीशन मैं बताऊँगा, पंप क्या कैसे होगा, ठीक है, ऊपर से तो ये कॉर्ड दिख रहा होगा आपको, ये कॉर्ड तो इसमें लग जाएगा DRV में, उसके बाद ये सब डीजल फिल्टर का पंप है, ये डीजल फिल्टर में चल जाएगा, और ये पंप जो दिख रहा होगा, ये पंप ये जो सामने ये दिख रहा है इसमें लग जाएगा, ठीक है, और ये पंप जो है मेन पंप है आउटर, जो कि रियल प्रेशर में जाएगा, जाता है ये पंप, दिख रहा है, ये पंप लग जाएगा आउटर इसमें मेन में, बाबू ऊपर से जाके पंप फंसाओ, तो ये पंप दिख रहा है ना, ये पंप इसमें फंसाओ, ठीक से फटना नहीं चाहिए, ये दोनों पंप चल जाएगा डीजल फिल्टर में, तो पहले ये सब बोल्ट टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद डीजल फिल्टर मैं टाइट करूँगा तो बताऊँगा, बोल्ट में टाइट करके फिर बताता हूँ, ठीक है, देखिए हम बैठा दिए हैं, बैठा के एक बार निकाल के चेक कर लिया जाता है जो लॉक बराबर बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है, इधर मैं फुल टाइट कर दिया हूँ, दिख रहा होगा, अभी मैं बताता हूँ अंदर जाता हूँ तो, ये टाइट आप फुल फिटिंग कर देना है इसको, ठीक है, ये चेक करके ही टाइट करना है, नहीं तो पता चलेगा टाइट कर दिए लॉक बैठल में है, इंजन घूम गया, टाइमिंग आउट हो जाएगा, फिर बहुत बात है, इसलिए इसको देख लेना है, मैं अब इसको गोटी की मदद से टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ अगला प्रोसेस, देखिए हम इसको टाइट कर दिए हैं, अब इसके ऊपर ये कवर लगता है, ये कवर दिख रहा होगा आपको, ये कवर, ये ऐसे बैठता है, ऐसे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, यहाँ पर ये लग जाता है ये वायरिंग का यहाँ पर, तो अब इसमें बॉन्ड हल्का मार के लगाता हूँ, और बाद में कि अंदर में आपको सिस्टम समझा देता हूँ क्या कैसे है, ठीक है, देख रहे हैं इधर से मैं सब बोल्ट टाइट कर दिया हूँ 12 नंबर, अब दहा बारी तो, अरे ऊपर से पैप दो, अब ये पैप मैं फंसा देता हूँ, मेन पैप इसका, ये पैप किधर गया, ये यहाँ पर पैप जाएगा, इसमें टाइट होगा, ये पैप आ रहा है, अरे यार इधर से लाओ, इधर से लाओ, ये उंगली दिख रहा है, उंगली दिख रहा है मेरा, उंगली इधर से लाओ, रुको चलो इसको घुमाने का प्रयास करो, देख रहे हैं, देखिए कहाँ पर लगेगा, इसमें ही टाइट होगा,
देखिए हम ये भी पैंप लगा दिए हैं, सामने सट जाओ। देखिए ये पैंप लग गया है, अब मैं इसको भी ये पैंप भी लगा दिया हूँ, दिख रहा है, ये कॉर्ड भी लगा दिया हूँ। बस इसमें इतना ही रहता है, दो पैंप रिटर्निंग आउट मैन, ठीक है, और एक ये मैन, तीन पैंप होता है इसमें, और एक सीआरवी का ये भी लग गया। ये तीनों बोल्ट टाइट ही हो गया। अब मैं यहाँ पर डीजल फिल्टर टाइट करूँगा, ठीक है, डीजल फिल्टर यहाँ पर बैठता है, एक बोल्ट यहाँ लगेगा, दो बोल्ट लगेगा इसमें, तो दो बोल्ट लगा के मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, दिखाता हूँ आगे का। देखिए हम डीजल फिल्टर फंसा दिए हैं, इसका पैंप का लोकेशन बता देते हैं। ये पैंप जो दिख रहा है आपको, ऐसे डीजल फिल्टर ऐसे लगेगा, ठीक है, लेकिन ये पैंप दिख रहा होगा, एक वो पंप में जाता है, ये पैंप चल जाएगा, मेन पैंप है, ये मेन पैंप चल जाएगा, आउटर है ये, इनर ये हुआ, ये मतलब फीड पंप के पास से ये आता है, फीड पंप मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, फीड पंप जो तेल वहाँ से मतलब पुश करने के बाद जो तेल आता है वहाँ से ये पंप में ये पैंप आया है, और ये पैंप जो दिख रहा है, ये जिस पर उंगली ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये पैंप पंप में चल जाएगा, जो दिख रहा है मेन पैंप यही है जो तेल पंप लेता है। उसके बाद लोकेशन पहले एक बार और अच्छा से देख लीजिए, थोड़ा दूरी कर देते हैं, जैसे फंसेगा दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये इसमें फंस जाएगा, इसमें, ठीक है, ये चीज़, और ये बोल्ट और ये बोल्ट, मतलब बोल्ट नहीं, मतलब वो यहाँ पर फंस जाएगा, ये दो जगह पर, तो अभी उसको भी फंसाते हैं आपके सामने में। देख रहे हैं सब सेटिंग हो गया है, ये पाइप दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद ये लॉक देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाटर एंड फ्यूल सेंसर का ये लॉक है, इधर से दिखाते हैं आपको, दिख गया, यहाँ पर ये बैठ जाता है इसमें, और यहाँ नीचे में दो बोल्ट है इसका, जो थोड़ा दूरी करते हैं तब दिखाई देगा, दिख रहा है 10 नंबर दो बोल्ट है, 1.25 इंच में ये दोनों बोल्ट होता है, 1.25 इंच का 10 नंबर बोल्ट है ये, इसको फिटिंग कर दिए हैं। अब इसका मुंटिंग दिख रहा है, मुंटिंग इसका खुला हुआ है, ये यहाँ पर टाइट होता है, 19 नंबर बोल्ट होता है इसमें, एक बोल्ट इधर है, एक बोल्ट देखिए टाइट कर दिए हैं पूरा एकदम फिनिश ऑल जगह से। एक बार यहाँ पर पैंप के पास थोड़ा देख लीजिए, जो कौन पैंप कहाँ गया हुआ है, नहीं गया हुआ है, बस इसमें कुछ खास नहीं है, एक ये सीआरवी का लगता है, एक ये पैंप है रिटर्निंग पैंप, और ये जो दिख रहा है ये मेन पैंप है जो फिल्टर से जाता है उसमें, और ये पैंप जो दिख रहा है ये पैंप, ये भी रिटर्निंग पैंप है, मतलब रिटर्न मतलब मेन पैंप है, जहाँ से फिर पंप से जो तेल आता है वहाँ का ये पैंप है, फिर पंप से यहाँ पर आता है, ये भी मैंने पैंप है, ये भी मैंने पैंप है, मतलब ये इनर पैंप है, इससे तेल आता है फिल्टर में, और इससे ये पैंप से ये दिख रहा है ये पैंप से पंप में जाता है तेल, ठीक है। अब इसको टाइट कर दिए हैं, अब इसको देख रहे हैं सोल्यूशन, इसमें हम लगा दिए हैं, अब इसको फिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बाबू टाइट करो उसको, ठीक है, टाइट करके दिखाते हैं, दिख रहा है फंस गया है इसमें, दोनों बोल टाइट हो जाएगा इसमें, और ये कपलर जो है यहाँ पर फंस जाएगा, दिख रहा है फंस गया, और ये वाइल स्विच का बोल्ट ये है, ये इसको ध्यान से लगाना पड़ता है, देख के दिख रहा है, इसको घुसा दीजिए, घुस गया है अच्छा तरीका से, अब इसको बोल्ट पर चढ़ा दिया जाता है, बोल्ट पर
चढ़ गया, जो कि कवर दे दिया है जो कि पानी उनी इसमें ना लगे, इसलिए देख रहे हैं नीचे का टोटल फाइनल हो गया है। अब एक्सल लगेगा, ये माउंटिंग जो बताया माउंटिंग लगेगा, और उसके बाद साइलेंसर लगेगा, ये सब टाइट हो जाता है उसके बाद टाइट करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये सब भी टाइट होगा, जब तक मैं ऊपर इंजेक्टर कॉमन रेल रेल प्रेशर उत्सर वो सब टाइट कर लेता हूँ, जब तक ये नीचे में ये सब टाइट होगा, ठीक है। तो टाइट करके ये सब का वीडियो दिखाऊंगा, क्या कि ये सब नॉर्मल चीज़ है, ये सबको दिखाना ना ये नहीं है, ठीक है। हाँ साइलेंसर वलेंसर लगा, सोचे कि एक्सल का बता दे एक्सल के बारे में, तो ये बोल्ट दिख रहा होगा आपको, ये छोटा वाला बोल्ट जो है ऊपर टाइट होगा और ये दो बोल्ट जो है नीचे टाइट होगा, ठीक है। तो फंसा के बताते हैं, यहाँ पर टाइट होगा, दिख रहा थोड़ा ऊपर नीचे करो बाबू, चलिए ये बोल्ट फंस गया और ये दो बोल्ट जो है यहाँ पर फंसा, बाबू दीजिए देख रहे हैं, एगो इधर एगो उधर, दो बोल्ट टाइट होगा और यहाँ तो समझिए रहे हैं यहाँ पे ही लग जाएगा। देख रहे हैं हम हद तक आपको बता दिए, ये सब भी टाइट हो गया, टाइट नहीं हुआ अभी फंसा दिए हैं, ये इसमें चल जाएगा उसके बाद ये टाइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये भी टाइट हो जाएगा, अभी फंसा के बताए हैं, फंसा दिए हैं, टाइट हो जाएगा आप, ठीक है। देखिए हम साइलेंसर टाइट कर दिए हैं, यहाँ तीन नट होता है, बोल्ट यहाँ पर नहीं टाइट होता है, नट होता है सिर्फ, और यहाँ पर दो बोल्ट होता है, देख रहे हैं 12 नंबर का दो बोल्ट अभी फंसा हुआ है, टाइट होगा अब। और यहाँ पर दो ब्रैकेट का बोल्ट लगता है, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर दो ब्रैकेट का बोल्ट, एक 19 नंबर यहाँ पर बोल्ट लगेगा माउंटिंग का, ये देख रहे हैं, दिख रहा है बोल्ट, फिर एक बोल्ट यहाँ पर लगेगा 19 नंबर, ये भी बोल्ट होता है, और साइलेंसर का ब्रैकेट ये रहा, ये रहा, और दो 12 नंबर बोल्ट, अब फिर तीन गो नट यहाँ पर लगता है, ठीक है। हो गया, देख लिए नीचे का काम फाइनल, अब मैं ऊपर का बताता हूँ हर चीज़। और दो ब्रैकेट इसमें भी लगेगा, दो बोल्ट इसमें भी लगेगा, इसको भी खोलना पड़ा था कुछ काम के लिए, तो ये भी टाइट हो जाएगा, उसके बाद ऊपर में बताता हूँ। अभी ये सब टाइट नहीं हुआ, फंसा के बता दिए हैं, यहाँ यहाँ ये होता है, उसके बाद ये टाइट करवा देते हैं, इसका वीडियो आप नहीं दे पाएंगे। अब ऊपर ऊपर का जो इंजेक्टर फिंजेक्टर टाइट करूँगा वो सब का वीडियो बताता हूँ, ठीक है, बने रहिए। देखिए ऊपर कॉमन रेल का पोजीशन, कॉमन रेल का ये रिटर्निंग पाइप में लगा दिया, मेन पाइप लगा दिया हूँ, उसके बाद इधर ये भी लगा दिया हूँ, दो बोल्ट है ये 12 नंबर टाइट कर देता हूँ, उसके बाद ये फंसेगा यहाँ पर कवर, इसका ये करके इसका कवर में फंसा दूँगा, एगो बोल्ट यहाँ पर लग जाएगा इसका, इसका बोल्ट ये होता है, बताता हूँ, ये बोल्ट यहाँ पर लग जाएगा इसमें, अरे भाग कहाँ रहा, इधर आओ बच्चा, नहीं नहीं ये बोल्ट यहाँ का नहीं है, रंग बता दिया मैं इसलिए सॉरी, ये 12 नंबर बोल्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो मैं फंसा के बताता हूँ फिर, देखिए मैं इसको भी टाइट कर दिया हूँ, इसको भी अभी टाइट नहीं किया हूँ, फंसाया हूँ दिखाने के लिए, मैं फंसा दिया हूँ, फंस गया, मैं इंजेक्टर बैठाऊँगा, इंजेक्टर बैठाने के बाद चारों पाइप बैठाऊँगा, उसके बाद का बात बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इंजेक्टर में हम ग्रीस डाल के वाशर बैठा दिया हूँ, दिख रहा होगा अच्छी तरीके से आपको, अब इसको टाइट करूँगा, दो इंजेक्टर एक बार में टाइट होता है, ये इसके बीच में लगता है ब्रैकेट, तो कैसे लगता है बताते हैं, देख रहे हैं पोजीशन, यही पोजीशन में ही बैठता है,
देखिए मैं गलती कर दिया एक बार, ये क्लैंप को बाद में हमको टाइट करना चाहिए था। देखिए मैं ब्रैकेट खोल दिया हूँ, अब इसको आराम से बैठा देना, देख रहे हैं। बैठ गया, देखिए ये ऐसा रहता है, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे ही टाइट होता है। इसको भी बैठा के बताते हैं, नीचे में हॉल लेकिन पूरा साफ़ कर लेना अच्छा तरीका से, उसके बाद जाके इंजेक्टर बैठाया जाता है। हॉल में अच्छा तरीका से इसका साफ़ कर लिया हूँ, उसके बाद मैं इसको बैठा रहा हूँ। अब इसको टूल से टाइट करके उसके बाद दिखाता हूँ। देख रहे हैं हम इंजेक्टर सब टाइट कर दिए हैं, इसमें स्पेशल टूल्स लगता है, ठीक है, तो इसको मैं टाइट कर दिया हूँ। उसके बाद मैं पैंप सेटिंग कर देता हूँ, पैंप सेटिंग करके बताता हूँ, सेटिंग कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको भी टाइट कर दिया हूँ, दिख रहा होगा ये कवर भी टाइट कर दिया हूँ, इसका रिटर्निंग पैंप अभी मैं लगा दिया हूँ। अब इसका मैं वायरिंग सेटिंग करूँगा, देख रहे हैं इसका कवर पूरा, इधर जो जितना भी वायरिंग खुला है सब वायरिंग इसमें फिटिंग करूँगा, तो बैठा के उसके बाद बताते हैं क्या कैसे है, ठीक है, बैठा के बताते हैं। देखिए वायरिंग भी मैं फिट कर दिया हूँ, यहाँ पर लॉक रहता है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लॉक है, इसको पुश कीजिएगा तो ऊपर निकल जाता है, इसे बैठाइएगा तो बैठ जाता है। और यहाँ पर जो उस समय हम टाइट कर रहे थे, यहाँ पर ये बड़ा वाला बोल्ट लगेगा, ये बोल्ट यहाँ पर ये टाइट होगा, बस इतना ही है इसमें। और ये वायरिंग नोजल का वायरिंग तो लगा ही दिए हम, इसको टाइट कर लेते हैं। उसके बाद इधर का अल्टरनेटर का वायरिंग वायरिंग है, ये सब मैं फंसा लेता हूँ। उसके बाद ब्लीडिंग करके बताते हैं ब्लीडिंग कैसे किया जाता है। ब्लीडिंग करके इन अंदर वाला जितना भी इंजेक्टर का वायर, जितना भी पैंप है, इसको मैं टाइट कर दिया हूँ, सेफ्टी रहता है, टाइट कर दिया हूँ। और कॉमन रेल के पास जो ये सब पैंप है, ये सब मैं ढीला रखे हुआ हूँ, देख रहे हैं, ये सब ढीला रखे हुआ हूँ जो कि ब्लीडिंग करने के लिए सही रहेगा। तो अब मैं इसको फंसा देता हूँ ऐसे, और ये इसको टाइट कर देना है बस, और इसको इधर करके अब ब्लीडिंग कर देना है, ठीक है। देखिए मैं इसको बैठा दिया हूँ, ये सब टाइट फिटिंग कर दिया हूँ, अब इधर का वायरिंग हम कर लेता हूँ क्लियर। देखिए एगो यहाँ पर लगे, ये मुंटिंग खुला था तो उसको खोले थे, यहाँ देखिए ये केम सेंसर का वायरिंग में लगा देता हूँ। उसके बाद ये वायरिंग एक एसी का है, एक मेन वोल्ट का है, एक इसका है अल्टरनेटर का, इसको लगा देता हूँ, इसको भी टाइट कर देता हूँ। और नीचे एसी का ये है, इसको भी टाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा फिनिशिंग कर दिए हम, अब यहाँ से थोड़ा इसका तेल चढ़ा लेते हैं। इस जगह पर इसका फीड पंप दिए हुआ है दबाने वाला, यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये फ्रेश नहीं दिख पा रहा है, देखिए यहाँ पर दिले रहता है। देखिए लोकेशन थोड़ा दूर से बता देते हैं, देख रहे हैं इस सामने इधर है, यहाँ पर देखिए, दिख रहा ये यही है फीड पंप, इसको दबाने वाला, दबा के इसका तेल पहुंचाते हैं यहाँ तक, उसके बाद जाके इसका सेल्फ मारेंगे। सेल्फ मार के ब्लीडिंग करके देखिए गाड़ी को तो स्टार्ट कर दिए, थोड़ा अंधेरा हो गया है, दिख रहा होगा आपको, इसको टेस्ट ड्राइव करके बताते हैं, टेस्ट ड्राइव करके उसके बाद फाइनल हम बताते हैं
देखिए गाड़ी ट्रायल हो रहा है, ब्लॉक के लिए कहाँ से उतरना पड़ेगा? ब्लॉक के लिए आगे से गाड़ी एकदम अप टू डेट चल रहा है। अभी थोड़ा नाइट हो गया है इसलिए मैं बना दिया हूँ। इसका ओरिजिनल नंबर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।